సమాధానం. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. लगता है रात भर सोया नहीं मेरा भाई परेशानी में. जानते हो मैंने क्या ख्वाब देखा? कि तुम इम्तिहान में कामयाब होने के बाद एक अहम इलाके में काजी मुकर्रर हो गए हो. ख्वाब की ताबीर तो उलट होती है, जानते नहीं? सिराजुद्दीन साहब का इतना खौफ सवार है. चलो क्या याद करोगे, मैं जाके दे देता हूँ इम्तिहान तुम्हारी जगह. अच्छा तो ऐसा है, मुझे कुछ थकन महसूस हो रही है मेरे दोस्त. नमाज भी पढ़ाओ मेरी जगह. यहाँ तो खूब जवाब दे रहे हैं जनाब, असाज़ा को लाजवाब करें तो माने. चलो देर ना हो जाएगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا عاجز تجھسے مدد مانگتا ہے، اپنی رحمت سے آج کے امتحان میں سرخرو فرما یا رب. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. से आज करताई मदरसे के निसाब का आखिरी इम्तहान लिया जाएगा यूनुस. इतने वर्षों में मोहतरम रुकनुद्दीन मजदरानी, उस्ताद मोहतरम शमसुद्दीन मर्दीनी और इस आजिज बंदे ने तौहीद और तसव्वुफ की तालीमात तुम्हें सिखाने की गर्ज से भरपूर मेहनत की. असल में तो इम्तहान कुछ भी नहीं बल्कि इल्म तो मुसलसल आजमाइश है. नतीजे को जांचना ना इनका काम है और ना ही ये आजिज बंदा इस दुश्वार काम का दावा कर सकता है. नतीजे का तायुन बजाते खुद इल्म के इजहार से हो जाता है. हमेशा याद रखना, दुनिया पुलसरात की तरह है, एक तरफ जन्नत दूसरी तरफ जहन्नम. इधर अच्छी आकबत है, सुकून मकाम दायमी खुशी, और उधर क्या है तुम खुद समझ सकते हो. यूनुस, तुम्हें आदीस की किताबों का तो मालूम ही है, कुतुबे सित्ता. ये तो बताओ जरा हमें, इन छह हदीस की किताबों में से कौन सी किताब को तुम ज्यादा एतबार के लायक कहोगे? जवाब तो आपकी बात से ही मिला मुझे. हमारी बात से? वो कैसे, हम तुमसे जवाब जानना चाहेंगे. हो सकता है एक रोज दुनिया में बुराइयां आग की तरह यूं फैल जाएं कि इंसान का बचना दुश्वार हो जाए. उम्र भर के हमारे अमाल गारत ना हो जाएं, इसीलिए हम कुरान पाक को और सही बुखारी को अपने दिल में महफूज रखते हैं. यही तरीका है कि हम उस आग में से अपना ईमान सही सलामत ले जा सकें. महज सही बुखारी ही अगर काफी थी तो मुस्लिम की हमें हरगिज जरूरत नहीं, क्यों ना तल्फ कर दें. क्या ख्याल है सदर मुअल्लम?
अगर 6 में से 1 किताब का आरामद है तो रह गई 5। जब दूसरी मुस्तनद तरीन किताब तल्फ हो सकती है तो बाकी का क्या जवाब? क्या हल निकालोगे इस मसले का तुम यूनुस? मुत्तफिक अलह, यही हल है इस काली मकाम। क्या मुराद है तुम्हारी मुत्तफिक अलह से? इख्तलाफी मामलात पर इत्तफाक। आप यकीन कीजिए, इसी में हम सबके लिए खैर है अली मकाम। अगर बुखारी और मुस्लिम के इत्तफाक से एक खैर का नतीजा निकल आए तो मेरी जाती राय में उम्मत के लिए इससे बढ़कर बेहतरी की और क्या सूरत होगी? हदीस की जो इमारत है वो 6 दीवारों से मिलकर बनी है अली मकाम। कुतुब सित्ता में हर किताब एक दीवार की मानंद है। बेशक इनमें से कोई दीवार बड़ी है और कोई छोटी, फर्क नहीं पड़ता। हर दीवार दूसरी दीवार को मजबूत करती है और इमारत बनाती है। शायर तो नहीं हो कहीं तुम यूनुस? अस्तग़फ़िरुल्लाह अली मकाम, ये बात करने का फन आपसे ही सीखा है। शायर तो झूठ बांधते हैं, बल्कि उम्मत मोहम्मदी की हैसियत से हमें लफाजी जेब ही नहीं देती। हम तो वो हैं जो कॉल से नहीं अमल से इस दुनिया को बदलने के तालिब हैं। हर कोई तारीफ कर रहा है तुम्हारी। इम्तिहान में तुमने सराजुद्दीन साहब को कैसा लाजवाब किया। यकीनन किसी अहम शहर का काजी बनाएंगे, फिर तुम एक खूबसूरत सी औरत से शादी कर लोगे और हमें भूल भाल जाओगे। चलो, तुम तो मुझे बाद में भी दिल से याद रखोगे ना इलियास। लो भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं सारी उम्र कंवारा रहूंगा क्या? वैसे तुम्हारे दिल में कोई ना कोई जरूर होगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो इलियास जैसे मुझे जानते ही नहीं। आज सलाम दुआ का नहीं, खुदा हाफिज कहने का दिन है दोस्त। सही कह रहे हो तुम। तुम बताओ इरादे क्या हैं? जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें गोकचे से। वो भी कर लूंगा, लेकिन पहले ये तो देख लें कि हमें काजी बनाकर भेजा कहां जाता है। अल्लाह खैर रखे। मंगोल कुल शहर को तहस नहस कर चुकी। आई इवरान और उनके साथियों को बेतरती से ज़िबा कर दिया गया। हर तरफ से आग में घिर चुकी है सलजूक सल्तनत। ऐसा ना हो किसी शहर के भड़कते शोले सर्द करने तुम्हें भेज दें। बड़े शहर में तकरूरी की जो आरजू है ना, मकामो मर्तबे के लिए हरगिज नहीं है। मुजाहिद है और हक की सरबलंदी के लिए लड़ना है हमें। मुसलमान अगर अपने दीन पर अमल पैरा होकर यकजा होते तो क्या कभी मंगोल इधर का रुख कर सकते थे? अदलो इंसाफ की इस पमाली को रोकना ही होगा हमें, वरना ऐसी आफतें आती रहेंगी। कौन रोकेगा? रंगीनियों में और ऐशो इशरत में पड़े हुए हुक्मरान, खानकाहों में पड़े हुए शेख, करामतों को दीन समझ लेने वाली बेफैज आवाम, या फिर खुदगर्ज दरवेश? हल सिर्फ मदरसा है। मदरसे के अलावा अगर किसी और तरह इनकलाब आ सकता होता तो अब तक आ चुका होता। फैसले अगर अल्फाज की शक्ल में हो तो फजूल और नाकारा शय है। तो हमेशा याद रखना कि लफ्ज़ों के गोरख धंधे में अपना अनमोल वक्त ज़ाया न करना फर्जंदों, और फरामोश न करना कि रियासत की बुनियाद फौरी और अर्जा हासिल होने वाले अदल पर है। ये वो सुतून है जो रियासत के सर पर मजबूत साहिबान की तरह कायम है। गफलत हरगिज ना हो अदल में। क़यामत करीब है और हर गफलत का हिसाब देना है। मेरे फर्जंदों, आज दिन है जिम्मेदारी का। हर बाख्तियार को हजरत उमर की मिसाल बनना होगा। जानते हो ना कि अदल व इंसाफ की तारीख में कितना अजीम नाम है हजरत उमर का। उमर वो हस्ती है, अगर ना होते तो समझना मुश्किल था कि अदल कैसे किया जाता है। ऐ मेरे फर्जंदों, उनके तारीखी फैसले हर आन जहन में रखना। याद रखो, अपनी सरजमीन पर रहो
या सलजूक सल्तनत से बाहर अपनी हर सांस इल्म, अदल, शरीयत और ईमान के हुसूल में गुजारना, फराइज में सियासत ना आने देना, सिर्फ और सिर्फ अदल करना। मुबारिस के फर्जंद इलियास, अल-मालिक काजी, अदालत को मुकद्दम रखना, रुस्तम के फर्जन अर्तुकुश, देवरगी के काजी, हर लम्हा अदल कायम रखना फर्जंद, अब्दुल्ला के फर्जंद यूनुस, नालेहान के काजी हैं, इंसाफ कबूल बाला रखना, मेहमत के फर्जंद इज्जतीन, या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, मैं तेरा आजिज बंदा हूं। बस थोड़ा सब्र और, तुम्हें भी प्यास लगी होगी, कहीं करीबी पानी मिल जाएगा हमें। चलो आओ। आओ।
बड़े साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से तशरीफ ला रहे हैं, कहाँ का इरादा है? इधर से आ रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है। पूछना आपसे ये था कि मेरे दोस्त को बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ करीब में कहीं पानी मुयसर होगा? आसमान बस बरसने ही वाला है। क्यों मजाक कर रहे हैं बड़े साहब मुझसे? वैसे बात करने का मुआवजा नहीं होता। चुप रहने के भी पैसे नहीं होते बेटा। आपसे एक सवाल किया था, बस इतना ही तो पूछा था कि पानी कहां से मिलेगा, लेकिन जवाब की जहमत नहीं की आपने। मौसम तो देखें जरा, कहीं दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं। रहमत की बरसात बस होने ही वाली है। इसी तरह बारिश के आसरे पर रहे ना तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। मौसम तो ऐसा नहीं था, फिर आपको कैसे पता कि बारिश होने वाली है? अपने इन घुटनों से बेटा, जब कभी बारिश होने वाली होती है ना तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू होने लगती है। मैं समझा, करामत दिखाई आपने मुझे अपनी। ये मामूली बात करामत लगती है तुम्हें? करामत और क्या होती है जनाब? लगता है आपकी बात मानते हैं बादल। अल्लाह ना करे, मेरी तो नहीं, शायद मेरे घुटनों की फरियाद पहुंच गई उन तक। तवाहम परस्ती नहीं है? तवाहम परस्ती नहीं है, हक़ की जलवागरी है ये। दुनिया में हर शय उसका खिताला ही का जलवा है, हक़ ताला के सिवा कुछ भी नहीं। ये चट्टान, ये दरख्त, ये परिंदे, ये दरिंदे, हर शय में उसी की सूरतगरी है, यहाँ तक कि इंसान की सूरत में भी। जब तुम्हारे सर में दर्द होता है, पूरा वजूद तकलीफ में क्यों होता है? जब तुम्हारे पाँव में कुछ चुभता है तो क्या तुम्हारा पाँव बताता है, या दिमाग के जरिए जिस्म को एहसास होता है? इसी तरह इंसान भी आलम वजूद का एक हिस्सा है, फर्जंद, यानी एक ही वजूद से जुड़ा हुआ है सब। यही वजह है बेटा कि बारिश बरसने से पहले मुझे दर्द देती है, तो फिर अब चाहे तुम इसे करामत कह लो या कुछ और फर्जंद। काफी गहराई है आपकी बातों में जनाब, मुश्किल जुमलों और इल्मी हवालों के बगैर हकीकत से रूशनास करवा दिया आपने। असल में हम लोग फिक्र के, हदीस के, तफसीर के, मुख्तसर ये के शरीयत के हर इल्म को अपने अंदर पूरी तरह समेटे हुए हैं। बुरा ना माने तो कुछ कहूं, अभी जो आपने कहा, अगर यही सब किसी और की जबान से सुना होता तो मैं कहता कि उसने शिर्क किया है। वहदतुल वजूद का मानने वाला और शिर्क? बारिश काफी हल्की हो गई है, मगरिब से पहले हमें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। सफर बखूबी गुजरे, अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए बेटा। डाकुओं लुटेरों की अमाजगाह है ये रास्ते, आप जानते नहीं क्या? रात को अकेले सफर मुनासिब ना होगा। मैं एक बूढ़ा फकीर हूँ, ना साजो सामान है, ना अशरफियत छुपी है गुदड़ी में। लुटेरों को भी मुझ पर तरस आएगा, मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। तुम जाओ और अपनी फिक्र करो। सुनिए, अगर ये बताऊं कि जिस शख्स को आप बचाकर गार में लाए हैं वो कोई और नहीं, नालेहान का नया काजी है, तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा मैं गार में पनाह लेने के लिए नहीं, असर की नमाज अदा करने के लिए गया था फर्जंद।
जाओ खुदा की अमान में। खुश आमदेद जनाबे अली। शुक्रिया भाई। अंदर तशरीफ लाएं, खाना खाएं अच्छा सा, फिर आराम करें। लगता है दूर से आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, घोड़े का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए। उस तरफ चलिए जनाब। खुश आमदीद जनाब, आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाजिर करूं आपके लिए? गोश्त हो तो अच्छा है। अभी लाती हूं मैं। बैठ सकता हूं यहां? बैठ तो गए हो, अब इजाजत तलब करने की क्या जरूरत है? पानी चश्मे का आता है हमारे यहां, शिफा बख्श है। कुछ और चाहिए तो बताइए। नहीं शुक्रिया। हाँ, जो ये खा रहे अच्छा लग रहा है। ऐसा करो, मेरे लिए भी यही ले आओ। बेहतर जनाब। क्या काम करते हो? सवाल पूछने का किसने दिया तुम्हें? एक तो बगैर इजाजत आकर यहां बैठ गए, ऊपर से सवाल पूछ रहे हो। तुम बताओ मुझे, तुम क्या करते हो? जो भी काम मिल जाए। तो कोई काम है आजकल तुम्हारे पास? तुम्हारी मेहरबानी से मिल जाएगा। सरायदार, पानी दो मुझे। ये लीजिए। कितना हिसाब हुआ मेरे भाई? एक शर्फी काफी होगी। शुक्रिया। सरायदार, इस तरहत खाना किस तरफ है? आइए जनाब।
आवाज निकली तो गए। किसी को भागते देखा तुमने? रुको रुको, खैर तो ये जनाब क्या हुआ? मुमलिकत के काजी से लूटमार और जान लेने की कोशिश, पकड़ा जाएगा बदबख्त जल्द या बदेर, कानून के शिकंजे में ला कर रहूंगा इसे। माफ कर दे मुझे जनाब, माफ कर दे। तुम्हारी कोई खता नहीं भाई, हम तो बेबस हैं काजी मोहतरम। कोई दिन नहीं जाता जब ये जालिम लुटेरे हमें लूट कर ना ले जाते हो। माल का बदला माल है और जान का बदला जान। बेफिक्र हो जाओ, अब नालेहान में सलजूक सल्तनत का काजी आ गया है। अदल होगा, आप शरीयत नाफिज होगी। और ये जुर्म तो खुद मेरे साथ हुआ है, चश्मदीद गवाह हूं इसका। देख लेना, बच नहीं पाएगा ये शख्स। अल्लाह आपके इरादों में इस्तकामत अता फरमाए काजी साहब। अपनी किताबें यहीं छोड़ रहा हूं, मेरा भेजा हुआ आदमी आकर इन्हें ले जाएगा। बेहतर जनाब। बुजुर्गवार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद हमारी मंजिलें एक ही रास्ते पर हैं। हाँ, हो सकता है फर्जंद, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाला ही मंजिल पर पहुंच सकता है। आप पूछेंगे नहीं मुझसे मेरी यह हालत कैसे हुई? घोड़ा कहाँ गया मेरा? पैदल क्यों हो गया मैं? पैदल चलने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। मैं आपकी तरह ही हूं, मीलों पैदल चलने का आदि नहीं हूं बुजुर्गवार। क्या राहगुजर ये बात जानती है कि गुजरने वाला सवार है या पैदल? जहां अदल ना हो वहां यही होता है, डाकू लुटेरे ताकतवर हो जाते हैं और कातिल बेखौफ। इसलिए तो मुझे भेजा है काजी बनाकर सलजूक सल्तनत का। जिसका जो काम है उसी को सौंपना चाहिए, जाहिलों को देंगे तो यही सब होता रहेगा मोहतरम। अपनी पूरी जिंदगी मदरसे की शक्ल तक ना देखने वाले लोग क्या हाल करेंगे? यही हाल करेंगे ना। मैं तो एक गरीब सा आदमी हूं जनाब, मुझे क्या मालूम, मैं भी अनपढ़ हूं, मदरसे की शक्ल तक नहीं देखी। मकतब मदरसे यकीनन नहीं गए होंगे आप, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इतना कुछ नहीं जानते जितना आप जानते हैं जनाब। क्या पता। मेरी बात याद रखिएगा, आज के बाद नालेहान के चोर लुटेरे खैर मनाएंगे अपनी। मुक्तदी पीछे होता है।
इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो सब जो अपने फराइज़ मनसबी को बेहतर तौर पर अदा करने के लिए जरूरी था। और यकीनन ये सब मैं सिर्फ किताबें पढ़कर तो नहीं सीख सकता था। जिस जगह पड़ाव किया वहां लुटेरे मिले, सामान लूट लिया, तकरूरी का फरमान भी, कलमदान भी, हत्ता के दवात भी। हाँ, लेकिन सच्चाई की राह से भटका हुआ चोर भला दवात का क्या करेगा? बुजुर्गवार, इस मामले में यही तो लतीफा है, चोरी भी बेमकसद और बदनामी अलग से हुई। अब मैं दरगाह का दरवेश तो हूं नहीं, ना ही आप जैसी सोच रखता हूं कि उसे मासूम समझूं। जालिम है वो। भला ये कौन जाने कि कौन मासूम और कौन जालिम। अगर तुम हक की तलाश में हो तो रास्ता वही है जो खुदा की तरफ जाता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि सब उस राह पर आ जाएं जो सच और हक की राह है। उन्हें खुली छुट्टी दे दे, मासूम लोग इसी तरह लूटते रहेंगे तो कैसे फैलेगा हक, बताए मुझे। मैं तुम्हें रे शहर के दिलों के सुल्तान इब्राहिम अधम की दास्तान सुनाता हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चलें, सुन ही लेते हैं फिर मोहतरम। हजरत सुल्तान इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह एक नेक दिल हुक्मरान थे। हालांकि तख्त व ताज तर्क नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उस हालत में भी एक ही तलाश थी उनकी, एक ही दुआ करते, परवरदिगार मेरे दिल को हक की रोशनी से मुनव्वर कर दे। मगर इस तलाश में नाकाम हो गए वो। एक रात अपने महल में सो रहे थे, आंखें सो रही थीं, मगर दिल बेदार था। महल की छत पर कदमों की आवाज सुनी उन्होंने, और फिर जैसे महल में दर्जनों लोगों के इधर उधर चलने फिरने का शोर सुनाई दिया। सुल्तान इब्राहिम अधम सजदर रह गए। उनमें अपने मुहाफिजों को आवाज देने की ताकत भी न रही। बस दिल में ख्याल आया, ये कौन लोग हैं जो मेरे महल की छत पर दौड़ रहे हैं? इतने में क्या देखते हैं कि एक शख्स खिड़की से लटका हुआ है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? उस शख्स ने जवाब दिया कि हम लोग फुला फुला इलाके के बाशिंदे हैं। उन्होंने पूछा, तुम लोग मेरे महल की छत पर क्या तलाश कर रहे हो? तब खिड़की से लटके शख्स ने जवाब दिया, मवेशियों को ढूंढ रहे हैं हम। इब्राहिम अधम हैरान रह गए, दीवाने हो गए हो क्या? मवेशी छत पर कैसे मिलेंगे? उस आदमी ने जवाब दिया कि दीवाने तो तुम हो, हक की तलाश वो भी सोने के तख्त पर बैठकर कर रहे हो। दीवाने तो तुम हुए जो तुम हमें अपने महल की छत पर मवेशी तलाश करता देखकर दीवाना कह रहे हो अधम। खूब कहानी सुनाई आपने। याद रखो फर्जंद, एक दिलचस्प हिकायत तालिब हक का दिल बदलने के लिए काफी होती है। आग बुझा कर क्या हमें भेड़ियों की खुराक बनाना चाहते हैं? भेड़ियों से बचने की फिक्र में अगर ये हजार साल पुराना दरख्त जल गया तो क्या होगा फरजंद?
रुको। खौफ कर रहे हो? रुको रुको। आंखें खुली रखो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कातिल कातिल। एक आदमी दो लोगों को कत्ल करके भाग गया, उसको देख लिया था मैंने, लेकिन कमबख्त फरार हो गया। जब तक मैं नदी पर पहुंचा वो गायब हो गया था। परेशान ना हो जनाब, तकदीर से दुनिया का कोई शख्स भाग नहीं सकता। सूरत देख चुका हूं मैं उसकी, अंजाम तक पहुंचा कर दम लूंगा। जिसे तुमने देखा अगर कातिल है तो तकदीर खुद ढूंढ लेगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे। नमाज के दौरान मैं बिल्कुल सामने तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा था, मगर जब सजदे में गए तो तुम ओझल हो गए। अब क्या कहेंगे, देखा कि नहीं? आप काजी की हिमायत में हैं या उस कातिल की, बताइए मुझे। न काजी की हिमायत में न कातिल की मेरे बच्चे, हकीकत की हिमायत में हूं बस। अगर वो हकीकत में कातिल नहीं तो फरार क्यों हुआ? तुम जिस वजह से उसके पीछे भागे वो भी उसी वजह से भागा। ऐसा करना मेरा फर्ज था। जैसे तुम्हारा फरीजा काजी का है, शायद उसका फरीजा फरार हो जाना ही था। दलील खूब है, बात में वजन भी है खासा। थोड़ी बहुत तालीम भी हासिल कर ली होती तो सदर मुअल्लिम लग ही जाते मदरसा कराताई में। बस यहां से हमारी राहें जुदा हैं काजी साहब। मतलब आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? राहें जुदा हैं, बस ये कहा है। मालूम है ये तो मुझे, खूब तजर्बा हो चुका है इस बात का। चलिए तो फिर इजाजत दीजिए, उस कातिल की तलाश से ही आगाज करूंगा जाकर। चलो अल्लाह की अमान में दिया। हाँ। फकीर की दुआ लेते जाओ, अल्लाह तुम्हें फराइज मनसबी अंजाम देने में कामयाबी दे। आमीन।
सुल्तान इज़्ज़ुद्दीन सानी के जमाने में एक यूनानी पादरी था जो बड़ा फसादी था। लोगों में घूम फिर कर कहता कि तुम्हारा शेख बड़ा धोखेबाज है, क्या कभी कोई करामत देखी है तुमने उसकी। एक दिन उसने लोगों को जमा करके उकसाया और उन्हें लेकर शेख की दरगाह आदम का। वहां पहुंचा तो क्या देखता है, शेख मोहतरम के हाथ में दमीर जी बहराम की तलवार है। वैसे दमीर जी बहराम उस जमाने में नौ उम्र ही थे, सब लोग हैरतजदा रह गए थे। शेख मोहतरम अंधे के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। पादरी पलटा और बोला, ये हैं तुम्हारे शेख साहब, न दीवाने हैं न पागल, असल में धोखेबाज हैं। कोई हम जैसा शेख से पूछता तो यही कहते कि काफरों से जंग लड़ रहा हूं, हम तो जरूर यकीन कर लेते। फिर मालूम है उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी कबा जो उतारी तो पता है क्या देखते हैं, उनका पूरा वजूद सर से पांव तक खून में लथपथ था। सुभान अल्लाह। उस वक्त सरी सल्तु काली मकाम बल्गारिया में काफिरों से जंग लड़ रहे थे और वहां हालत ये थी कि काफिरों के लश्कर ने अल्परान पर अचानक धावा बोल दिया था। अल्परान उस वक्त मुश्किल में था और ये बात शेख साहब को कष्ट से मालूम हुई थी। तो पादरी का क्या हुआ, उसने क्या किया? करना क्या था, फौरन कलमा शहादत पढ़ लिया था उसने। यकीन ना हो तो तबीब मिकाल से पूछ लो, वो यूनानी पादरी तबीब मिकाल का सगा चचा था। सगा चचा। शेख आ रहे हैं। आपको देखकर खुशी हुई शेख। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। देख के खुशी हुई। हम कब से आपकी राह देख रहे थे हम सब। फातिमा बहन ने मोहब्बत भरा सलाम भेजा है और तमाम दरवेशों को भी। कैसा रहा आपका दौरा, कोई नया साथी मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा हमसफर मिला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। सुनो ये जरूर ये अमीर रुकनुद्दीन ने या नलो बाजार में तमाम कारवानों को हाजिर होने का हुक्म दिया है। सुनो सुनो मेरी बात। यहाँ कारोबार नहीं चल रहा और युवानो बाजार पर नवाजिशें हो रही हैं। यही हाल इधर भी है बहराम भाई, इस लगान ने तो कहीं का नहीं रखा हमें। बाजार के लिए माल तैयार करोगे क्या? सुनो मेरी बात गौर से सुनो। मंगोल भाई जो नोयान ने सिवास सूबे को चला दिया है, खलीफा अमरान बल बाबा सिनान और उनके खानदान को तमाम बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया है। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई।
शुक्रिया जनाब। जो हो गया सो हो गया, 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 जो हो गया सो हो गया। काजी साहब ये दफ्तर है, रिहायशी कमरा ऊपर है। आपसे पहले यहां बुर्दुलू के काजी हिम्मत आफंदी रिहायश पजीर थे। शुक्रिया हसन। फजर की नमाज अदा करने के बाद जाब्ते के ऐन मुताबिक सबसे मुलाकात करूंगा मैं। जैसे आपका हुक्म काजी मोहतरम। ये लीजिए, कमरे की शमें रोशन कर लीजिए। आपका कमरा रिहायश के लिए मुकम्मल तैयार है, अगर मजीद कुछ दरकार हो तो हुक्म कर दीजिएगा। शुक्रिया, इजाजत चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वा
हमारा फरीजा है, बल्कि निजबुलैन होना चाहिए कि अदलो इंसाफ से फैसले करने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। लेकिन असल मकसद फरियादियों को इंसाफ देना है। हर वो शख्स जो तकलीफ पहुंचाएगा किसी दूसरे की जान को या माल को, तो वो कान खोल कर सुन ले कि इस शहर में अदालती निजाम अब शरीयत के मुताबिक है। कोई कितना ही बासर हो, चाहे मैं खुद काजी यूनस किसी जुर्म का मुर्तकिब होगा, तो शरीयत के तहत उसे सजा भुगतनी होगी हर सूरत। नालेहान के सब मर्द हजरात, सब औरतें, हत्ता के छोटे बच्चे भी जान लें कि अदल काजी नहीं करता, शरीयत करती है। सुबेदार हसन। जी अली मकाम। अखी बुजुर्गों को मुत्तला कर दिया? बिल्कुल इत्तला दे दी है उन्हें, आप जब भी तलब फरमाएंगी वो तैयार होंगी। आला, चार सिपाही साथ ले जाओ, पूरे शहर की खबर लो कि क्या हालात हैं। नालेहान के गली कूचों का जायजा लेना है। खैर तो है हसन आगा? काजी साहब कुछ पूछने के लिए तशरीफ लाए हैं। शेख ताब्दू कैमरे, क्या तुम ही हो? अस्तग़फिरुल्लाह, हम तो इनके कदमों की खाक भी नहीं है। मैं कातिल नहीं हूँ। आज से पहले जो कोई भी खुद को कानून के दायरे से बालातर समझता था, जान ले कि उसका ठिकाना या जिंदा होगा या फिर कब्र। मेंबर जी, हसन नामी शख्स को ढूंढ रहा हूं। मेंबर जी हो या कोई और हो, जिसे भी ढूंढ रहे हो कहीं और जाके ढूंढो। कौन है ये शेख ताब्दू कैमरे? शहर के एक नेक नाम शेख हैं ताब्दू कैमरे आली मकाम। जानते हो उन्हें? नालेहान में कौन है जो नहीं जानता उन्हें। शहर में बड़ी तादाद है उनके मुरीदों की, खासकर ताजर बिरादरी में। वाह भाई वाह। अभी चल रहे हैं हम वहां ताब्दू कैमरे की दरगाह पर धावा बोलने।